हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली नंबर जो 8D है उसका क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 9 तक आपको प्रश्न सॉल्व करवा दिया गया है। फ्रेंड्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है कि टैन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे जो ये दिया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका समान होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या दिखाना है, दिखाना यही है कि लेफ्ट हैंड जो साइड होता है आपका राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि टैन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा दिया है प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टैन थीटा लिखा है। फ्रेंड, इसी को प्रूव करके आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे टैन थीटा दिया है और अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, यहाँ से आप किसी एक को चेंज कर ले और एक ही फार्म में लिख ले। फार्म में लिखने का तात्पर्य यह है कि जैसे यहाँ पे टैन थीटा दिया है तो सभी को टैन थीटा के रूप में चेंज कर लें। तो टैन थीटा के रूप में चेंज करने का तात्पर्य है कि जैसे टैन थीटा, इसको तो लिखिए इसी तरह रहने दीजिए, टैन थीटा अपॉन 1 माइनस, अब कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को 1 अपॉन टैन थीटा लिख सकते हैं। इतना पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो कॉट थीटा होता है उसको 1 अपॉन टैन थीटा लिख सकते हैं। यदि आपको अभी नहीं पता है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि टैन थीटा का जो अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ये ठीक है फ्रेंड्स, इतना पता होना चाहिए आपको। चलिए, अब इसी तरह इसको भी चेंज कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह प्लस का दीजिए और कॉट थीटा लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टैन थीटा। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे यदि माइनस है तो यहाँ, चलिए आगे इसको बताते हैं, 1 माइनस टैन थीटा पर लिखिए, आगे इसको हम बताएंगे कि यहाँ पे अब करना क्या है। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ से एक लीजिए और टेन का इसमें गुणा कीजिए, सॉरी यहाँ पर टेन थीटा पहले लिख लीजिए, ऊपर जो लिखा है अपान एक का यहाँ पे गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा होगा और एक का एक में करेंगे तो एक होगा, अपान वन का टेन में करेंगे टेन थीटा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या कीजिए फ्रेंड्स कि जैसे यहाँ पे देखिए टेन थीटा माइनस वन लिखा है, इसी तरह यहाँ पे टेन थीटा माइनस वन लिखा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस का अमल लेते हैं, जब माइनस का अमल लेंगे तो यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए और वन अपॉन टेन थीटा लिखा है, अपन यहाँ से जब माइनस लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस, तो प्लस वाला को पहले लिखते हैं, टेन थीटा को पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे टेन थीटा कीजिए, यहाँ पे माइनस वन कर दीजिए, देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसको प्लट दीजिए, यानी कि जब बटा के बटा कोई संख्या, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक बटा के दो लिखा और इसी के बटा दो बटा के तीन लिखा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे कि इसको जब बटा के बटा लिखे, जैसे एक बटा के दो हो गया और इसका जब गुणा का चिन्ह देते इसको प्लट दे दें, यानी तीन बटा के दो हो जाता है, इस तरह किसी संख्या को लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर दिया है कि बटा के बटा, यानी टैन थीटा को इसी तरह लिख लीजिए पहले और यहाँ पे गुणा का चिन्ह, जब गुणा के देंगे तो प्लट जाएगा, ये टैन थीटा ऊपर आ जाएगा अपान ये टैन थीटा माइनस वन होगा और यहाँ पे ये माइनस है ये, अब देखिए वन अपान, इसी तरह यहाँ पे इसको लिख सकते हैं टैन थीटा को यहाँ पे लिख लीजिए, तो जब टैन थीटा अब पोस्ट में टैन थीटा माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करना, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे फ्रेंड, बस आप लास्ट तक इस वीडियो में बस बने रहिए। देखिए अब क्या करना है कि टेन थीटा को जब टेन थीटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन टेन दो बार टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपन ये टेन थीटा माइनस वन होगा और माइनस लिखा है वन अपन यहाँ पे टेन थीटा लिखा है और कोस्ट में टेन थीटा माइनस वन। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें से क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा आपका,
एलसीएम होगा कि टेन थीटा कोस्ट में टेन थीटा माइनस वन होगा। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका जब इसमें भाग देंगे तो आपका टेन थीटा होगा, और टेन थीटा यहाँ जब टेन थीटा होगा टेन थीटा का इसमें गुणा करेंगे तो टेन पे तीन घात यानी टेन क्यू थीटा, और इसका इसमें भाग देंगे तो एक बचेगा, एक का एक में गुणा होगा एक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना यदि आप सॉल्व कर लिए, अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये लिखा एक माने टेन पे क्यू थीटा और यहाँ पे तीन लिख देते थे, देखिए ए पे क्यू माइनस बी, यानी कि आपको फार्मूला ये पता होना चाहिए, जैसे ये फार्मूला होता है ए पे क्यू माइनस बी को क्यू का फार्मूला होता है कि एक कोष्ट में ए माइनस बी अगले कोष्ट में ए स्क्वायर, ये फार्मूला पता होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी होता है, ये फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले में बस इसको रख के सॉल्व करना है। ये देखिए क्या करना है, ये ए पे क्यू मतलब इसको यदि आप ए मानते हैं तो ए पे क्यू का, अरे सॉरी दोस्तों, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी लिखिए यानी टेन थीटा माइनस वन कीजिए, और अगले क्वेश्चन ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस यानी वन प्लस ए इंटू बी यानी इन दोनों का गुणा तो कितना होगा टेन थीटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अपान लिखिए टेन थीटा कोष्ट में टेन थीटा माइनस वन, देखिए ये टेन थीटा और टेन थीटा बराबर आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है कि टेन थीटा माइनस वन टेन थीटा माइनस वन दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, जहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन लिखा होता है वहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है, जैसे आपको सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, देखिए फ्रेंड्स ये फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला भी याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं टेन थीटा बच रहा है। अब इन सबको अलग अलग लिखिए, तो अलग अलग लिखने के तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, और प्लस ये टेन थीटा अपन टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रेंड्स जो आपको प्रूफ करना है सेक थीटा और कोसेक थीटा लाना है, तो इसके लिए तो सेक स्क्वायर थीटा तो अपने जगह पर ठीक है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिखिए। अब क्या करना है कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह तो सही है, अब टेन थीटा क्या लिख सकते हैं आप कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर वन लिखिए। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स कि सेक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, अब प्लस यहाँ पे देखिए आप जब बटा के बटा आता तो प्लट देते हैं, तो यह कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, और प्लस वन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं आप, ये तो सेक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा। ये आप सभी को बस पता होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर ले पाएंगे। देखिए सेक थीटा एगो सेक थीटा कट जाएगा तो आपको बचेगा कितना, देखिए यहाँ से बच रहा है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए इसी को प्लस में, तो पहले वन को पहले लिखिए, वन पहले लिख लीजिए, तो वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपका प्रूफ हो गया, इतना ही आपको लाना था। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या जो सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया दोस्तों। तो आपको ऊपर दिखा देते हैं कि आपको प्रूफ क्या करना था, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए कि आपको प्रूफ कितना करना था और कैसे करना था तभी आप समझ पाएंगे। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन था, टेन थीटा वन माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही लाना था जो कि हम लास्ट में ये ला दिए हैं। तो यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।